हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज के इस रिएक्ट नेटिव डिजाइन वाली सीरीज के अंदर हम लेके आए ओटीपी स्क्रीन। हम इसको कस्टम बनाने वाले कोई भी पैकेज यूज नहीं करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे ये ओटीपी पिन के व्यू बने हुए हैं। जब इस पर हम टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमें नेक्स्ट बॉक्स में लेके जाएगा। तो मान लो मैंने 1 टाइप किया, ये ऑटोमेटिक में लेके गया। इसके साथ में जिसमें हमने टाइप किया उसका कलर भी चेंज हो गया है, उस बॉक्स का बॉर्डर रेडियस भी वाला बॉर्डर कलर भी चेंज हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हम डाल रहे हैं तो ये कलर भी चेंज होता जा रहा है, आगे वाले का भी कलर चेंज हो जाएगा। अगर उसमें जैसी टेस्ट आएगा और जैसे ही टेस्ट सारा कंप्लीट होगा पिन, वैसे ही हमारा बटन भी इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अब ये बटन इनेबल है। अब मान लो मैंने इसमें से एक हटा दिया, एक जैसे हम कैंसिल करेंगे ये बटन फिर से डिसेबल हो जाएगा। अब ये इनेबल और डिसेबल के बाद होगी और इसका कलर भी चेंज होगा साथ में। अब बात करते हैं इस रीसेंट बटन की। अभी ये दिख रहा है ग्रीन ब्लू, मैंने मान लो इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा रीसेंट बटन जो मैं क्लिक किया तो ये हमारा टाइमर भी चलने लग गया। और टाइमर का लॉजिक मैंने इसमें लगाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 0 तक चलेगा, उसके बाद फिर से रीसेंट बटन हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। फिर से API वगैरह जो भी हिट करना चाहें वो कर सकते हैं, OTP मंगा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ये बनाने वाले हैं। सिंपल सा है स्क्रीन, बट ये लॉजिक पूरा कंप्लीट रहेगा, जिससे आप आगे कोई भी अच्छी सी डिज़ाइन देख के ये लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप सारे बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा बट ये आपका OTP का लॉजिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं OTP स्क्रीन बनाने के लिए सबसे पहले एक हमें नॉर्मल डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि बेसिक डिज़ाइन होनी चाहिए OTP के, है ना। और इसमें कोशिश करेंगे कि हम टाइम आउट भी लगा के देखें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कौन से लेंगे, स्टाइल सीट डॉट क्रिएट। और इसमें जो हमारा कंटेनर होगा पहला, तो उसको हम नाम देंगे कंटेनर, पेरेंट कंटेनर, है ना। और इसको हम दे देंगे स्टाइल फ्लेक्स वन। ठीक है, के कॉन्स्ट। ठीक, व्यू को styles.container, ये तो समझ में आ गया। यहाँ एक टेस्ट ले लो, टेस्ट में डालो एंटर OTP। इस एंटर OTP को स्टाइल दे देते हैं styles.title। टाइटल को यहाँ डालेंगे टाइटल। और इसको फॉन्ट साइज दे दो 20, फॉन्ट वेट दे दो 700, मार्जिन टॉप दे दो 100। और अलाइन सेल्फ सेट, तो यहाँ पे OTP एंड OTP, यहाँ पे OTP वेरीफिकेशन। ठीक है, इस तरीके से डाल दें, थोड़ा सा इसका साइज और बढ़ा दो 22 कर। कलर इसका ब्लैक कर लेते हैं इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें OTP वेरिफिकेशन करें, यहाँ पे हमें OTP इनपुट के फील्ड रखने हैं, उसके बाद यहाँ पे रीसेंड OTP का ऑप्शन रखना है, और यहाँ पे हमारा वेरीफाई OTP का बटन रखना है। ठीक है, इस तरीके से हमें रखना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चलना है, एक व्यू बनाना है, और इस व्यू की जो स्टाइलिंग होगी इसको हम नाम देंगे styles.otpview। और OTP व्यू को यहाँ पे फैन कर लेते सर विथ 90% 100% कर दो 100% जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर फ्लेक्स डायरेक्शन प्रो और मार्जिन टॉप 100। अब इसके अंदर हम टेक्स्ट इनपुट डालते हैं, तो टेक्स्ट इनपुट रिएक्ट नेटिव का पहला टेक्स्ट इनपुट हो गया, इसको कॉपी कर लेते हैं मल्टीपल, मान लो 68 रखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे स्टाइल्स
डॉट इनपुट व्यू, इनपुट व्यू रखेंगे, ठीक है, इनपुट व्यू। तो इनपुट व्यू को हम यहाँ पे कर लेते डिफाइन, इसको विड्थ देते हैं अराउंड 40 और हाइट भी 40 और बॉर्डर विड्थ 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बॉक्स बन गया, इसको आप बॉर्डर रेडियस देना चाहो तो दे सकते हो, बॉर्डर रेडियस 10, तो कुछ इस तरीके का बनेगा। तो साइज चाहो तो और बड़ा कर सकते हो इस तरीके से, ओके। अब मैं 6 बॉक्सेस बनाने हैं, तो हमें ये स्टाइल कॉपी करनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कुछ इस तरीके से हमारे व्यू बन गए। इनके बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मार्जिन लेफ्ट 10, इस तरीके से हमारा बॉक्स बन गए। अब हमें क्या करना है, जब भी हम जिस पे क्लिक करें, जिस वाले बॉक्स पे क्लिक करें, उसका कलर चेंज होना चाहिए, कर्सर जब हम फोकस कर रहे हैं तो उसका कलर चेंज होना चाहिए, ये चीज़ें हमें डालनी है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जितने हमने टेस्ट इनपुट डाले हैं उन सब के रेफरेंस क्रिएट करने पड़ेंगे। तो कॉन्स्ट ई टी, मतलब टेस्ट इनपुट को हम एडिट टेस्ट मान के ET1 रेफरेंस माना मैंने, यूज ref 1 हो गया। अब इसको मैं कॉपी करूँगा 6 बार, यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, ये हमारे रेफरेंसेज हो गए। तो रेफरेंस के अंदर ref इक्वल्स टू ET1, ये लाइन कॉपी करो और पेस्ट करो, ठीक है, इसमें 6, 5, 4, 3, 2 स्पेस, ठीक है, रेफरेंसेस दे दिए। अब हमें रेफरेंसेस दे दिए, दूसरी चीज इन सब पे हमें क्या करना होगा, इन सब के लिए मैंने रेफरेंस बना दिया। सबसे पहली चीज़ हम क्या करें, तो कलर चेंज करने से पहले एक चीज़ और मुझे करनी है। मान लो जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और कुछ भी एंटर करूँ, है ना, तो एंटर करने के बाद हम नेक्स्ट पे पहुँच जाएँ, ये चीज़ हमें करनी है ना, ये लॉजिक हमें लगाने हैं। तो ये लॉजिक लगाने के लिए रेफरेंसेज हमने दे लिए, और रेफरेंस से ही होता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक फंक्शन होता है, पहले तो इनको क्या करो, कीबोर्ड टाइप नंबर पैड दे दो, कीबोर्ड टाइप नंबर पैड, ठीक, और मैक्स लेंथ 2, 1, ठीक है, ये दो लाइन दोनों कॉपी कर लो, इधर डालो, ठीक। अब देखो यहाँ पे जब भी आएगा तो मैक्स एक ही टाइप होगा, दूसरा टाइप नहीं होगा। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं टाइप कर दूँ उसके बाद मेरा रेफरेंस अपने आप से चला जाए, तो ये कैसे होगा, ये होगा भाई टेक्स्ट इनपुट चेंज करने पे। मान लो मैंने यहाँ पे ऑन चेंज टेस्ट किया और यहाँ पे TXT डाला, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही इफ़ कंडीशन डाली मैंने, इफ़ TXT लेंथ ग्रेटर देन 1, जो हमारा रेफरेंस ET2 है दूसरे वाले का, डॉट करेंट डॉट फोकस ऑफ फोक, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे करनी मुझे, सेम ये वाला कोड कॉपी करो, और इसमें हमें कहाँ पहुँचाना है, थर्ड में 3, ठीक है, यहाँ पे कोड फिर से कॉपी करो, इसमें हमें फोर्थ में पहुँचाना है, और फोर्थ वाले पहुँच के हमें कहाँ पहुँचाना होगा, 5 पे। ट्राई करके देखें, मान लो मैंने यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे एक टाइप कर दिया, अभी कुछ वन सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ये रेफरेंस गया नहीं,
ओहो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर, वैसे तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू डालेंगे तब भी काम चल जाएगा, है ना? मुझे लगता है काम चल जाएगा, उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक एक के बराबर ही होगा तब भी, हो ना? मैंने वन डाला पहुंच गया, इसमें डाला थ्री पहुंच गया, ठीक है। अब ये मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा, फोर वाले पे जब हमने डाला, फोर वाले पे हमने कंडीशन कहाँ है भाई? अच्छा, ये हमने फाइव पे कैसे पहुंचा दिया, सिक्स पे जाना है ना मैं, तो हमें ये वाली लाइन यहाँ भी कॉपी करनी पड़ेगी, फोर वाली फाइव में भी कॉपी करना पड़ेगा, फाइव फाइव पे जाना है और फाइव के अंदर में कॉपी करना पड़ेगा, सिक्स पे जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं टाइप करा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा और यहाँ डालेंगे, तो ये हमें ऑपरेशन सिक्स पे पहुँचा देगा। अभी हम सिर्फ एक लॉजिक बना रहे हैं और सिक्स पे हम टाइप कर देंगे, ठीक है। अब इनको जो हमने पहले तो यार हमने ये बनाया, इसको ना टेक्स्ट अलाइन में सेंटर करना पड़ेगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो यहाँ पर अगर हम टाइप करते हैं तो टेक्स्ट कहाँ जाएगा, सेंटर, ठीक है। दूसरी चीज़ का फॉन्ट साइज हमें अराउंड 18 और फॉन्ट वेट 700, तो यहाँ पर टाइप करके देखते हैं, ठीक है। ये परफेक्ट लॉजिक काम कर रहा है। अब मान लो मैं बैक करता हूं, तो मैं बैक करा तो ये बैक होने के बाद यहां आ गया, ठीक है। यहां आना चाहिए बैक कर्सर होना चाहिए, जब मेरी मान लो यहाँ पे मैं टेस्ट इनपुट यहाँ पे हूँ, मैंने ये वाला लॉजिक यहाँ भी डाला, ठीक है, सिक्स के लिए यहाँ। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैंने इसको कैंसिल करा, तो अगर लेंथ एल्स ये है, फोकस सिक्स पे है, अगर एल्स इफ अगर ये टेस्ट लेंथ जो है ना वो लेस देन वन है, ठीक है, तो मैं क्या करना होगा, यहाँ पे सिक्स ये पे मुझे फाइव पे जाना होगा, ठीक है। ये एल्स इफ वाली कंडीशन मुझे कॉपी करनी पड़ेगी यहाँ पे, अभी मैं सिक्स पे जा रहा था, मुझे यहाँ पे फोर पे जाना होगा, और यहाँ पे फाइव पे जा रहा था तो मुझे यहाँ पे थ्री पे जाना होगा, और यहाँ पे मैं फोर पे जा रहा था, थ्री की जगह पे टू पे जाना होगा, और यहाँ पे थ्री पे जा रहा था तो मुझे यहाँ पे वन पे जाना होगा। ट्राई करें, मान लो मैं यहाँ पे था, मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ हूँ मैं, मैंने कैंसिल करा तो मैं यहाँ पे वापस पे पहुँच गया, ठीक है। मैंने यहाँ से कैंसिल करा तो मैं यहाँ पहुँच गया, कैंसिल करा यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे, ठीक है, ओके। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, मैं फिर से टाइप करता हूँ, तब मैं यहाँ पे जाऊँगा, तब मुझे फिर से लॉजिक आगे के लिए मिल जाए। इतना तो समझ में आ गया, ये वाला गेम तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं जिस पे हमारा जितने टेस्ट इनपुट हैं, जिनके अंदर टेक्स्ट है उनके कलर चेंज हो जाना चाहिए, और जिस पे कर्सर है उस पे भी कलर चेंज हो जाना चाहिए, जिसके अंदर टेक्स्ट है उनके कलर भी चेंज हो जाना चाहिए, जिसमें एम्प्टी है उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये लॉजिक लगाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो भाई कॉन्स्ट हमें सबके टेस्ट डालने पड़ेंगे, मतलब ये वैल्यू भी तो डालनी पड़ेंगे ना, तो एफ वन मतलब फील्ड वन, सेट एफ वन यूज स्टेट एम्प्टी, ठीक है। अब ये वाली लाइन में कॉपी करता हूँ, कितनी बार, छह बार, टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स और सिक्स, ठीक है। जितने भी टेस्ट इनपुट है इन सबके अंदर वैल्यू के अंदर डाल दो ये चीज़, वैल्यू वैल्यू में एफ वन, ठीक है, और ये यहाँ डालो टेस्ट चेंज के पास, और यहाँ पे जब हम सेव कर रहे हैं तो भाई सीधा सा गेम में सेट एफ वन भी तो हम करेंगे, तो एफ वन के अंदर TST ये चीज़, ठीक। अब मैंने वैल्यू टू डाला, इसके अंदर एफ टू,
सेट एफ टू के अंदर टी एस टी, यहाँ डाला एफ थ्री, सेट एफ थ्री के अंदर टी एस टी, एफ फोर, सेट एफ फोर के अंदर टी एस टी, एफ फाइव, सेट एफ फाइव के अंदर टी एस टी, ओके। और सबसे लास्ट वाला जो है हमारा सेट एफ सिक्स के अंदर टी एस टी, और इससे पहले जो वाली लाइन हमारी है सिक्स, ये कॉपी कर। अब हमें इससे कैसे पता चलेगा, जो हमारी स्टाइलिंग है तो जो स्टाइल है इसको हम एरे स्टाइल देंगे, ठीक है, एरे ऑफ स्टाइल देंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा, कैसे, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर। अब बॉर्डर कलर चेंज कैसे होगा, जो हमारा एफ सिक्स है, एफ सिक्स की बात करें ना वैल्यू की, अगर उसकी लेंथ लेस देन और इक्वल टू वन है तो भाई होना चाहिए कैसा, ब्लू कलर मान लो, ठीक है, अदरवाइज जो भी कलर हमारा ब्लैक है वैसा रहे, ठीक है। तो अभी कैसा है ये, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर कुछ टाइप करता हूँ तो ये देखो ब्लू हो गया, ठीक है, बाकी सब नॉर्मल है। सेम लॉजिक हमें कॉपी करना है भाई, सेम लॉजिक कॉपी करना हर एक के अंदर। और हमें क्या करना, एफ फाइव करना है यहाँ पे, ठीक, एफ फोर करना है, एफ थ्री करना है यहाँ पे, एफ टू करना है, और यहाँ पे एफ वन करना है। अब देखो पहले से स्टार्ट करते हैं, मैंने कुछ भी एंटर कर दिया, ब्लू हो गया, ब्लू हो गया, ब्लू हो गया, ब्लू हो गया, ब्लू हो गया। अब अगर मैं मान लो कैंसिल कर देता हूँ तो ये देखो ग्रे हो गया, ये भी ग्रे हो गया, ये भी ग्रे हो गया, ये भी ग्रे हो गया, ये ग्रे हो गया, और ये हमारा ये भी ग्रे हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हमारा जो OTP वाला सिनेरियो है, आगे बढ़ना पीछे बढ़ना, ये तो हमारा हो गया भाई, ओके। अब इसके नीचे हमें क्या करना है, ये हमारा OTP वाला व्यू कंप्लीट हो गया, एक हमें बनाना है बटन, टचेबल ओपेसिटी, इसको स्टाइल दे लो, स्टाइल्स डॉट वेरीफाई ओटीपी बटन, तो यहाँ पे बटन दे लो इसको, विथ रख लो विथ 90%, हाइट 55, बैकग्राउंड कुछ तो गड़बड़ हुआ, अच्छा ये ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लू, और बॉर्डर रेडियस 20, अलाइन सेल्फ सेंटर मार्जिन टॉप 50, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, ये किस लिए, क्योंकि हमें टेक्स्ट इसके जो बीच में डालेंगे वो उसको सेंटर में चाहिए। यहाँ पर टेक्स्ट, और टेक्स्ट में क्या, वेरीफाई ओटीपी, ये टेक्स्ट अभी विजिबल नहीं है तो इसको स्टाइल देना पड़ेगा हमें, तो स्टाइल, स्टाइल्स डॉट बटन टेक्स्ट, बटन टेक्स्ट यहाँ पे डालेंगे, और इसका कलर वाइट, और फॉन्ट साइज अराउंड 20, इस तरीके से हमारा बटन बन गया है, ओके। ये बटन कब डिसेबल होना चाहिए, जब हम सारे ओटीपी को डाल दे रहे हैं, सारे ओटीपी मतलब यहाँ तक डल जाएंगे तभी बटन डिसेबल होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए, है ना। उस केस के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम जो स्टाइल डाल रहे हैं, इस स्टाइल में एक बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन जो हमने वहाँ ब्लू दिया उसको यहाँ पे रखते हैं, और हम क्या करते हैं, जितने मेरे ओटीपी हैं, टेस्ट वन, एफ वन, एफ वन इज़ नॉट इक्वल्स टू
एम टी, ठीक है, एंड एफ टू इज नॉट इक्वल्स टू एम टी एंड एफ थ्री इज नॉट इक्वल्स टू एम ई एम टी एंड सेम चीज़ है, तीन बार और कॉपी कर लो और इसको पेस्ट कर दो यहाँ, और एफ फोर कर दो, एफ फाइव कर दो और एफ सिक्स कर दो। अगर ये कंडीशन ट्रू होती हैं, ये कंडीशन अगर ट्रू होती हैं तो ब्लू दिखेगा, अदरवाइज ये दिखेगा कुछ ग्रे सा कलर का, मतलब उतना डिसेबल्ड कलर जो होता है ब्लैक दिख रहा है ना, ब्लैक की जगह पे मुझे ग्रे करना है मान लो। कुछ इस तरीके का, अभी ये डिसेबल्ड एक्चुअल अभी डिसेबल्ड नहीं हुआ, डिसेबल्ड कब होगा मैं बताऊँ। यहाँ पे टचेबल ऑपेसिटी का एक डिसेबल्ड नाम का प्रॉप होता है, उसके अंदर मुझे ये कोड डालना है सेम, और जाके मुझे यहाँ पे अगर ये है तो मुझे डिसेबल्ड को करना है फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, अब ये क्लिक भी नहीं होगा जब तक मैं इसके अंदर पूरा नहीं डाल दूंगा ना, सारे ये सारे पिन नहीं डाल दूंगा तब तक ये डिसेबल नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने 6 डाल दिया, 4 डाल दिया, 9 डाल दिया, ये देखो वेरीफाई ओटीपी डिसेबल हो गया। मान लो मैंने एक भी हटा दिया, ये फिर से मतलब ये इनेबल हो गया था, फिर से डिसेबल हो गया। ठीक है, जैसे मैंने डाला फिर से ये इनेबल हो जाएगा। देखो मैंने जैसे मैंने करा इसके अंदर, यहाँ पे आके मुझे करना पड़ेगा, ऑलरेडी उसमें टेक्स्ट था। ठीक है, तो ये देखो अब हमारा ये इनेबल हो गया। ये केस तो हमारे बटन वाला समझ में आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक टाइमर चलाना है, जो सब लोगों की डिमांड होती है, ज़्यादातर सारे बिगनर्स की यार दिक्कत आती है कि टाइमर कैसे चलाएं ओटीपी के लिए, वो हम ट्राई करते हैं। उस ओटीपी के टाइमर के लिए सबसे पहले मैं क्या करना होगा, यहाँ पे एक यूज इफेक्ट लो, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक कॉन्स्ट लेना, एक स्टेट लेना, और स्टेट क्या होगा वो काउंट होगा, काउंट सेट काउंट यूज स्टेट 0 मान लो। ठीक है, मैं क्या करूँगा यहाँ सेट टाइम इंटरवल, सेट इंटरवल लूँगा मैं। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर मैं सेट काउंट को क्या करूँगा, जो भी काउंट होगा उसको मैं -1 करूँगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में से कितना लूँगा मैं, स्टार्टिंग में से मैं 60 लूँगा, एक मिनट का चलाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कितना चलाऊँगा इसे, एक सेकंड बाद, एक सेकंड मतलब ये 1000 मिली सेकेंड, और इसको मैं डिपेंड किस पे कर दूँगा भाई, काउंट पे। ओके, ठीक है, और ये काउंट को मैं मान लो इस बटन के ऊपर जो हमारा टचेबिलिटी टेस्ट व्यू बनाया हमने, जो टचेबल ऑपेसिटी बनाया इससे ऊपर, मान लो मैं एक टेक्स्ट में दिखा दे रहा हूँ फिलहाल, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ काउंट, यहाँ काउंट दिखा दिया। हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ये नहीं चलेगा, ऐसे हम अगर सेव करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंटरवल को पहले तो मुझे एक कॉन्स्ट वेरिएबल एक लेंगे हम, क्या उसका नाम रखेंगे, इंटरवल। ठीक है, इंटरवल इक्वल्स टू दे दो। ठीक है, यहाँ हमने ये दे दिया, हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न में क्या, एक कॉल वे फंक्शन लेंगे, और इस कॉल वे फंक्शन में रिटर्न क्या होगा, क्लियर इंटरवल, और उस क्लियर इंटरवल के अंदर जो भी हमने इंटरवल ऊपर दिया है वो ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी कंडीशन डालनी पड़ेगी हमें, क्या अगर जो हमारा काउंट है भाई, वो काउंट जो है ना वो लेस देन या फिर बोल दो 0 ही आ गया, अगर 0 आ गया ठीक है, तो हम क्लियर इंटरवल कर देंगे। क्लियर इंटरवल को हम इसके अंदर इंटरवल दे देंगे, मतलब इंटरवल क्लियर कर देंगे, एल्स सेट जो हम काउंट वाला जो लॉजिक चला रहे सेट काउंट में माइनस ये 1 वाला, ये वाला लॉजिक इसके अंदर डाल देंगे। अब इससे क्या होगा, जब यार 0 ही हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, रीसेंट वाला बटन है उसको डिसेबल कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने टेस्ट लिया है, नॉर्मल टेस्ट जो हमने लिया है एज ए काउंट, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साथ में हम यहाँ पे एक व्यू ले लेते हैं। ठीक है, इस व्यू को यहाँ बीच में ये डाल दे, और एक मैं टेक्स्ट और डाल दूँगा क्या, रीसेंट। ठीक, और इस व्यू को अभी स्टाइल स्टाइल्स डॉट रीसेंट
व्यू, रिसेंट व्यू को थोड़ी सी यहाँ डिजाइन देख कर देते हैं, रिसेंट व्यू फ्लेक्स डायरेक्शन रो अलाइन सेल्फ सेंटर और मार्जिन टॉप 30 और मार्जिन बॉटम 30। ठीक है, अब क्या होगा जब भी मैं सेव करूंगा तो आप देखोगे तो यहाँ पे काउंट दिख रहा होगा हमारे रीसेट बटन के साथ में, ये देखो 60 हो गया, 58 हो गया, थोड़ा सा हमारा इम्यूलेटर स्लो चलेगा तो टाइम का डिफरेंस हो सकता है 55, 54, 53, 51, 50, कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यूआई चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा यूआई के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्टाइलिंग दे देता हूँ, क्या मार्जिन लेफ्ट फैले से 20 चाहिए और यहाँ पे स्टाइल मुझे डायरेक्टली देनी पड़ेगी क्योंकि मैं इसे डिसेबल और इनेबल करने वाला हूँ, तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। कैसे, मान लो अगर कलर की बात करें तो रीसेंट जो है पहले तो इसका फॉन्ट साइज, 20 करो, फॉन्ट वेट 700। अब बात करते हैं कलर की, कलर क्या है कि जो हमारा काउंट है ना, अगर काउंट 0 है तो कलर होना चाहिए इसका ब्लू, अदरवाइज ग्रे। अभी ग्रे ही है, दो पे कहीं ये रुक गया है, टू हो गया, जो टाइमर मेरा एम्युलेटर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है क्योंकि ये सर्विस चलती है ना, एक तरह थ्रेड चलती है, थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता है ये। आप रियल डिवाइस पे से चला के देखना, फिलहाल मैं आपको एक बार रीसेट पूरा ऐप द्वारा से हम चलाएंगे, पहले हम यूआई पे एक बार फोकस कर लेते हैं। ठीक है, तो यूआई कहाँ गई, रीसेंट बटन हो गया, ये हो गया, इसको भी हमें फॉन्ट साइज 20 करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने देखो एक बार सेट किया तो फिर से ये रीसेंट इस तरीके से आ गया, और इसकी विजिबिलिटी कर दो गॉन, इसकी विजिबिलिटी किस बेस पे रहेगी, काउंट जो है ना, वो काउंट जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0, तभी ही ये दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। ठीक है भाई, तो ट्राई करते हैं दोबारा से, जब मैं रीसेंट बटन पर क्लिक करूँगा ऑन प्रेस, तो ऑन प्रेस यहाँ पे आ गया और मैं सेट काउंट को फिर से 60 एक बार डाल दूँगा, ट्राई करूँ। जब मैंने 60 डाला तो फिर से टाइमर मेरा चल गया और ये ग्रे हो गया, टाइमर चल रहा है इस तरीके से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो काउंट है ना, काउंट के बाद हमें यहाँ पे एक चीज़ और डालनी है, स्पेस डाल के सेकेंड्स, इस तरीके से। अब ये कभी कभी क्या होता है, मैं जब दोबारा से सेव करता हूँ तो ये टाइमर दोबारा से चलने लग जाए, इस वजह से डिले आता, तो इसलिए क्या करो, ये हमेशा अपने सर्वर को किल करो, ठीक है, और दोबारा से एप्लीकेशन को अच्छे से रन करो। टाइमर ऑलरेडी चल रहा है क्योंकि यूज इफेक्ट के अंदर है, है ना। तो जैसे मान लो हमारा ओटीपी आ रहा है, वेट कर रहे हैं 52 सेकंड के लिए, हम वेट करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए हम और चीज़ें कर लेते हैं, जैसे कि ओटीपी वैलिडेशन वगैरह भी हमें करना है, तो एक फंक्शन बना लेते हैं यहीं पे, कॉन्स्ट ओटीपी वैलिडेट। ठीक, अब मान लो ओटीपी वैलिडेट हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा लेट ओटीपी, ओटीपी क्वेश्चन मैंने रखा 1 2 3 4 5 6, ये होना चाहिए, अगर ये ओटीपी होगा तो हमारा वैलिडेट होगा, है ना। ठीक है, तो मैं वैलिडेट करने के लिए क्या करूँ, कंडीशन में जो हमारा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6, ये पूरा यहाँ पे उठा लो और यहाँ पे ले लो लेट एंटर्ड
ओटीपी इक्वल्स टू ये है, अगर एंटर्ड ओटीपी इक्वल्स ओटीपी रहा तो अलर्ट आएगा, अलर्ट डॉट अलर्ट ओटीपी मैच्ड, और एल्स अलर्ट अलर्ट रॉन्ग रॉन्ग ओटीपी। ठीक है भाई, ये बटन ये कब कॉल होगा, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। तो बटन कहाँ है हमारा, टचेबल ओपेसिटी, टचेबल ओपेसिटी का ऑन प्रेस लगाना है हमें, ऑन प्रेस, और यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे ओटीपी वैलिडेट। ओके भाई, ठीक है, मैं रीसेंट करता हूँ। पहले तो मान लो मैं अभी कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, 3456 कुछ भी मैंने टाइप कर दिया भाई, मैंने वेरी ओटीपी आया, रॉन्ग ओटीपी आ रहा है, रॉन्ग ओटीपी। ठीक है, अब इसको मान लो मैं कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करा तो मैंने 1 2 3 4 5 6 ओटीपी मैच्ड, मतलब ये भी काम कर रहा है। अब मान लो मैंने फिर से कैंसिल कर दिया, रीसेंट बटन पर क्लिक किया, 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो 60 सेकेंड्स हम वेट करना पड़ेगा हमें, अदरवाइज हम इस फंक्शनलिटी को चेक नहीं कर सकते। तो जस्ट वेट एंड वॉच, 49 48 47 44 43 38, ये हमारा फाइनल टेस्ट होगा, 31 30 29 28 26 25 24 23। इसके बाद ना जब ये जीरो पे जाएगा ना, तो ये 13 ये सेकंड्स वाला जो टेक्स्ट है ये गायब हो जाना चाहिए, और रिसेंट ऑनली रह जाना चाहिए, वो भी ब्लू कलर के साथ। तो इससे हमें समझ में आता है कि हम दोबारा से एपीआई रीसेंट बट टेक्स्ट के क्लिक पे हम दोबारा से एपीआई हिट कर सकते हैं दोबारा से ओटीपी मंगाने के लिए। ओके, परफेक्टली काम कर रहा है, रीसेंट हमारे पास ब्लू होके आ गया है। ठीक है, तो हमारी सारी चीज़ अब काम कर रही है। तो इस तरीके से हम ओटीपी की स्क्रीन बनाते हैं, ये मेरी बहुत ही ईजी स्क्रीन थी। अब आप इसको अपने यूआई जैसे भी आपकी फिगमा डिजाइन है उसके हिसाब से बना सकते हो, बट हमें सिर्फ यहाँ पे लॉजिक सीखना था कि कैसे करना है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा, थोड़ा सा टाइम लगा, बट चीज़ों को टाइम दे के समझने में हम पूरा एकदम से क्लियर हो जाती है सारी चीज़ें। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, बिगनर्स के लिए हेल्पफुल है ना। तो अगर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो अभी कभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।